उबैद भाई, उबैद भाई ने हमें यहाँ तक छोड़ा है लिंक रोड से हाईवे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ भाई, फाइनली लिंक रोड से हम हाईवे पे तो आ ही गए। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ वकार, मेरे ट्रैवल पार्टनर जो के हम पिए। और आज का दिन मतलब कि आप देख सकते हैं फॉग ही फॉग, और ये है कराची और फॉग शुरू हो गई है। तो एक इशू होगा, वैसे हमें थोड़ा सा लोगों को रुकने में मसला होगा क्योंकि हम दिखेंगे उनको बड़ी दूर में जाके, लेकिन चलें देखते हैं हमें कोई मिल जाए। वरना साथ हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप भी हो, पेट्रोल पंप पे भी ट्रक खड़े हुए हैं, होपफुली हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अभी हम टूल प्लाजा तो एटलीस्ट कोई छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी पकड़ लें, मिल जाएगी आराम से। भाई यहाँ पर फॉग की वजह से ना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक हमारी सवारी आ रही है, ये शायद वो हमें दे दे, लेकिन देखते हैं। ये भी रुकता नहीं रुकता, लेकिन फॉग की वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोगों को दिखते हैं बहुत कम है। तो छोड़, अब आगे छोड़ दोगे? अच्छा चलो चलो चलो, वो खुद भी कंफ्यूज थे और हम भी कंफ्यूज हो गए थे, वो रुक ही नहीं रहता हमारे लिए, उसकी स्पीड इतनी स्लो चल रही है वो आगे कहीं यही मुड़ रहा था यार। शुक्रिया, नाफेस भाई। ये भाई जा रहे थे रेंजर्स हेडक्वार्टर में टेस्ट देने जा रहे थे, और इनको ओस की वजह से, क्योंकि धुन आज बहुत है, उसकी वजह से यहाँ से घूम के वो वापसी बंदा रक्षा लेके दोबारा वो चले गया था, और उनको रेंजर्स हेडक्वार्टर ही नहीं मिला था। तो खैर ओस तो बहुत है, लेकिन देखिए मैंने उनको दिखा दिया था, और अब हम यहाँ पर हाई टूल प्लाजा के करीब तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो हम थोड़ा सा वॉक करके टूल प्लाजा पर पहुँचेंगे ताकि वहाँ से हमें फ़ायदा हो जाए। तो ये है टूल प्लाजा पर पहुँच गए, और ये कराची टूल, और मुश्किल हो रही काफ़ी धुन की वजह से, एक तो इतना देख नहीं सकते और बाकी ये है कि लोग भी हमें नहीं देख सक रहे थे। चलें यहाँ पे कुछ गाड़ी ये आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, इनसे ट्राई करते हैं, ऐसे हो सकता है फ़ायदा हो यहाँ पे, क्योंकि सूरज भी नहीं निकल रहा अभी, हालांकि 7:30 तो बज गए हैं। भाई हज़रतुल्ला भाई ने अभी हमें यहाँ पर लिफ्ट दी है, अभी टूल प्लाजा पर खड़े हुए थे, और आज थोड़ा सा हमें मुश्किल ये हो रहा है कि ये धुन है ना, इसकी वजह से हम लोग रुक रहे नहीं हैं। हाँ, नहीं वो डरने वाली बात नहीं है, लोग तो है ही है, क्योंकि हम टूल प्लाजा पर इसलिए आके रुके कि वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, वैसे ना यहाँ पर रास्ते में कोई रुक ही नहीं रहा था, पीछे से ना थोड़ा मसला हो रहा था, लोगों को दिख नहीं रहा होता ये। तो भाई अभी हमारा सफ़र फाइनली हाईवे अभी से, इसमें सेफ्टी क्या है भाई तो फाइनली हाईवे वाला जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ है, और अभी हमें यहाँ पे 7:35 आज इस वक्त टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल में से 7:45 ऐसे कुछ होगा, और आज एटलीस्ट खैरपुर तो पहुँचने का है, फिर इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे खैरपुर। तकरीबन कोई है भी 370 किलोमीटर, इतना ज़्यादा नहीं है, तो बाकी फिर आगे दिखाते हैं आपको। साढ़े आठ हो गए, अभी टी टाइम है, नूरियाबाद तक ही पहुँचे नहीं है, नूरियाबाद थोड़े से दूर है, ज़्यादा नहीं, और बाकी चल रहा सफ़र चल रहा है साथ, अभी हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि गाड़ी में मसला आ गया, तो बाकी हम निकलेंगे अभी चाय पी के। बहुत सारे लोग मेरा स्टेटस देख के मेरा ये बताता हूँ कि जब मैं 190 रुपीज़ में सिर्फ जस्ट 190 रुपीज़ का ख़र्चा हुआ, मैं घूम के आया गया 5 दिन चारों से, फिर 240 गोरख से, तो उसकी जो रीज़न ही होता है वही होता है कि मैं अभी जो ट्रैवल जैसा करता हूँ, बस वाले हो गए और ट्रक वाले हो गए, कार वाले, तो ज़्यादातर मेरे जो खाना पीने का होता है कभी कभार जब भी हो रहा होता है, तो उनके साथ ही जैसा भी हुआ, हमने चाय पी,
वहाँ के मामा जा रहा है। तो मैं जब पैसे देने लगा, उन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं 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 मैं दूंगा आप, मैं हमारे मेहमान हो। तो ज़्यादातर मेरा खाने वाने का एक्सपेंस हमारा जो होता है वो इसी तरफ हो जाता है। तो ट्रैवलिंग तो ऑलरेडी मैं फ्री कर रहा हूँ, खाने का इनके साथ हो जाता है, मेहमान नवाजी के अंदर ही हो जाता है, और रहने का तो अपने को कोई इशू नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा थकन हो गई, कुछ हो गया तो होटल कर लेंगे, वरना तो फिर ये हमारे डेरे, हमारे ये ढाबे जिंदाबाद। और गर्मी बढ़ती जा रही है, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो बस अब हम निकल रहे हैं, दूसरी गाड़ी में निकलेंगे। ये वेट कर रहे हैं अपने मालिक का, तो बस हम निकलते हैं। भाई ये भी हम तकरीबन कोई उनके साथ आगे 20-25 किलोमीटर चलें, और हर किसी की तरह इनको भी एक इशू था कि लोगों से डर लगता है, एटलीस्ट उनसे डर लगता है जो बैग लेके घूमते हैं इसीलिए वो उठाते नहीं हैं। तो ये है, ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा कि आपको लोगों से डर हो ना हो, लेकिन लोगों का आपसे डर रहता है। तो खैर, अगर मैं इस काम के लिए निकला हूँ, हम लोग इस काम के लिए निकले हैं, तो इसलिए निकले हैं कि लोगों का डर ख़त्म करना, और एटलीस्ट हमने नए दोस्त बनाने हैं, उनको समझाना है कि भाई हम उनके दोस्त बन रहे हैं ना कि हम उनके लिए कुछ मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है, तो बाकी इंशाल्लाह मज़ा आएगा ट्रिप में। और वैसे तो मूड तो हमारा खैरपुर का नहीं था, वैसे मेरा मैं सोच के निकला था कि ऐसे बस से मुझे जाना सक्कर, लेकिन खैरपुर के अंदर भी किले हैं और वैसे थोड़ा सा करीब ही, तो सोच रहा नाइट खैरपुर में स्टे करना है और फिर इंशाल्लाह सक्कर के लिए निकलेंगे। अला पीछे पड़ा हुआ मामा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाए ना क्या? हाँ, हम निकल, कोई मसला नहीं, चल नहीं इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो भाई इनके साथ का सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर हम किसी और के साथ सफ़र शुरू होगा। और ये भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। भाई मोहम्मद रफीक, अच्छा मेरे वालिद का नाम भी मोहम्मद रफीक है। तो भाई मोहम्मद रफीक भाई अभी हमें मिले यहाँ से, और ये लखी सिमट तक जाएंगे। इनके साथ हम यहाँ से बैठ गए, और देखो लखी सिमट यहाँ से मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 20-25 किलोमीटर है शायद। अच्छा 12-13 किलोमीटर है, ठीक है। ये लकी सीमेंट की गाड़ी थी जो कि कंपनी में जा रही थी, और अब यहाँ से हम हाईवे के ऊपर दूसरी साइड पे जाना होगा हमें, हाईवे के दूसरी साइड पे जाएंगे। तो आगे इन्होंने हमें अपनी कंपनी की तरफ मोड़ दी थी, ले गए थे ना, तो ये सामने लकी सीमेंट कंपनी। रोड क्रॉस करेंगे फिर अपोजिट साइड पे हमें। ये अब हम सही जगह पे हैं, और जगह तो बड़ी वीरान है, लेकिन चलें हमारे लिए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ज़रा आगे जाना सीधा, हम जो सक्कर जा रहे हैं आप जहाँ तक छोड़ दोगे वहीं जा दूँ, वहीं तक छोड़ दो। नूरिया बैठिए ना, चल 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 भाई, ये नूरियाबाद तक जाएंगे हम, इनके साथ नूरियाबाद तक जाएंगे। खोल 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 आजा, ये जा रहे हैं नूरियाबाद तक। अच्छा कमरा भरा होता है यहाँ पर, बंदा सो सकता है, लेकिन अभी हम सो रहे नहीं है। और अभी इस वक्त 9:30 हो गए, धूप भी बहुत टाइट हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, लाफिज बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ सक्कर निकलेंगे अब, इधर सर। हाँ ये इनका हमारा यहाँ पे सफ़र ख़त्म हुआ, और ये जा रहे हैं नूरियाबाद।
और हमने जाना सक्कर। तो यहाँ से इधर से एक रास्ता है, खैर वो हाईवे पे हमें उतार रहे थे मैंने, लेकिन वो हाईवे पे ना थोड़ा रश था उस जगह पर, तो उन्होंने कहा कि इस जगह उतार देंगे यहाँ से आसानी से। ठीक है, ये भी जगह ठीक है, हाईवे सामने ही है, कोई मसला नहीं। तो अभी प्लान थोड़ा सा ऐसा है कि खैरपुर में मुझे जुल्कनैन भाई के पास जाना था, तो जुल्कनैन भाई हैदराबाद में, उनकी जॉब की थोड़ी पोस्टिंग वगैरह हुई है वो हैदराबाद में। तो अभी हम नूरियाबाद पे पहुंच गए और हैदराबाद करीब ही है, तो प्लान ये है कि फर्स्ट हम जाएंगे हैदराबाद, हैदराबाद में जुल्कनैन भाई के साथ थोड़ी चाय वाय पियेंगे, फिर निकलेंगे खैरपुर के लिए। और टाइम बहुत है, अभी हमारे पास 10 बजे सिर्फ और हमें निकले हुए तो हमें कोई 3-3.5 घंटे हुए हैं, तो होपफुली आज रात इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे खैरपुर आराम से। सलाम अलैकुम सर, आगे सीधा जाना है हैदराबाद, जहाँ तक जाओगे छोड़ देना। अच्छा जगह नहीं है, चलो सही है। नहीं नहीं पीछे बैठिए, अगर इस पर बैठिए हैदराबाद तक, उससे जितने पहले हो सब। यार इनके पास जगह नहीं थी लेकिन इन्होंने बोला कि ओ चल चल चल। अच्छा आजा आजा आजा, चलो सर शुक्रिया। हाँ भाई ये फाइनली ये हमारे लिए रुके थे, इनके पास आगे जगह नहीं थी, लेकिन हमने कहा पीछे बैठ जाते हैं, हमें मसला नहीं है क्योंकि हम तो खाना बदोश हैं। तो हमारा सफ़र इनके साथ स्टार्ट हुआ भी ये ऐसे बिठाए थे। हाँ भाई ठीक ठाक गर्मी हो गई है और स्कार्फ तो खैर मेरा खो गया था चारों में, और बस अब यहाँ से नूरियाबाद से हम चलें और तकरीबन फिलहाल तो 20 मिनट, इसकी हमने छत पे ही बैठ गए थे, आगे जगह नहीं थी, और बस हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद का थोड़ा मेहनत तो नूरियाबाद से मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर, गूगल मैप चेक नहीं किया, मोबाइल मेरा ऑफ रखा हुआ है। चलें भाई, अभी हैदराबाद तो अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी 20 रास्ते में हम यहाँ पे होटल पे ज़रा स्टे कर रहे हैं, टी ब्रेक अगेन, सेकंड टी ब्रेक विदाउट लंच, विदाउट ब्रेकफास्ट और विदाउट एनी लंच, एंड दिस विल बी फ्री अगेन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम ट्रैवल करते हैं, ये एक कोई मिस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ रियल है सामने हमारे सबके सामने, और ये कि इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात है भाई। ये ना आपके भाई फुल कोशिश कर रहे हैं गोरा होने की, नामुमकिन कोशिश चल रही है मेरी, लौंडा बोल रहा है मैं गोरा नहीं होऊंगा, मैंने कहा यार मैं गोरा होना है, मैंने बहुत काला हो गया हूँ, खैर परमानेंट कलर है, कुछ होना तो नहीं है, लेकिन ये कि अब गोरा होने की कोशिश कर रहे हैं अभी। क्या नाम क्या भाई का? हाँ भाई अज़र भाई के साथ अभी ये टी ब्रेक चल रहा है, चाय चल रही है ये तो हमने चाय पी ली और अब हम निकल रहे हैं उनके साथ, तो होपफुली शायद अब वो हमें आगे बिठाए, क्योंकि पहले वो हमें पहचान नहीं रहे थे, तो मतलब पहचानने के मतलब जानते नहीं थे, थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्डअप भी होता है, तो उन्होंने हमें पीछे बोला था बैठ जाओ, उन्होंने इजाज़त दे दी थी ना, आगे कह रहे थे आगे जगह नहीं है, तो अभी उतरते वो कह रहे थे कि पीछे बहुत गर्मी है यार आप आगे आ जाओ, देखते हैं शायद वो हमें आगे बिठा दें, और पीछे गर्मी तो है लेकिन कोई इशू नहीं है, हमें हम खाना बदोश हैं। हाँ भाई खाना बदोश इस खाना बदोश की हालत टाइट हो गई। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देख होता है क्या। बोला अभी तो हमें खैर ये ट्रक जा रहा है लाहौर, अभी हमने इन्होंने कहा था कि ये हैदराबाद तक भी नहीं जाएगा, लेकिन लाहौर जा रहा है, और अभी हमने हैदराबाद उतरना है,
और हैदराबाद फिर चलेंगे। हैदराबाद पे हमें जुल्कनैन भाई के पास जाना है, तो फिर उधर से आगे जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया। ओके दो हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, फाइनली हैदराबाद पहुँच गए। ये इनके साथ हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये जहाँ तो लाहौर के लाहौर जा रहे थे ना, हाँ लाहौर जा रहे थे, और हमें पूरा रास्ता ले जाते ये, लेकिन एक तो स्पीड बहुत स्लो थी, और अगली चीज़ मुझे यहाँ पर मिलना था जुल्कनैन भाई से, तो इसलिए यहाँ उतर गया। ये वादू फाग रोड भी है ये सामने यहाँ पर ना, हैदराबाद में, तो जुल्कनैन भाई के पास जा रहे थे उनसे मिलने, तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। ये हैदराबाद गेट से इंटर तो हो गए, और ये प्रिंस टाउन जा रहे हैं जुल्कनैन भाई, प्रिंस टाउन में रहते हैं उस तरफ ना, से मिल के फिर वापसी निकलेंगे। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है, ये आगे एक गाड़ी मिल गई है, अब देखो कहाँ तक छोड़ेगी ये, लेकिन हमें जाना है प्रिंस टाउन। हाँ भाई, 2 किलोमीटर तो इन्होंने तय करवा दिया, और प्रिंस टाउन के लिए इसलिए अभी रास्ता सीधा जा रहा है, 1 किलोमीटर रह गया है, तो बस प्रिंस टाउन पहुँचना है और फिर उससे मिल के निकलना है। सुकरैन भाई भी आ गए, मिल गए हमें।